आप लोग कहते हो सर हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या बिजनेस करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, हम अपने लाइफ से बहुत तंग हो चुके हैं। मैं आज आपको पूरे 25 बिजनेस ऐसा बता रहा हूँ जो आप किसी एक बिजनेस को भी आप कर लेते हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे, ये तो गारंटी है कि बहुत पैसा कमाएंगे। किसी एक भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर लेते हैं और वो स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम लागत में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ध्यान से देखिए। देखो दोस्त, यदि आप एक गरीब इंसान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो गलती आपकी होगी, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, तो समझना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ आइडियाज दे सकता हूँ। तो मेरा जो पहला बिजनेस आइडियाज है और जो 25वां बिजनेस आइडियाज है, एक एक बिजनेस आइडियाज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और ये वीडियो जो हेल्पफुल लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन की घंटी आती है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि गरीब लोगों के पास ना पैसा नहीं होता है, पूंजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब उनको 10 लाख का कोई काम बताओ थोड़ी ना करेंगे वो। अब मान लीजिए कोई भी गरीब आदमी है, मैं हूं या कोई भी गरीब व्यक्ति है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको सबसे जो पहला चीज चाहिए वो क्या चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि भाई किस आइडियाज पे काम करें, क्योंकि मार्केट में दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पहले से बिक रहा है, बन रहा है, उसकी खरीदार भी है, उसको बनाने वाले भी हैं, सारे लोग पहले से कर रहे हैं। तो अब बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, या कोई महिला है या कोई पुरुष है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ऑलरेडी ये पहले से लोग कर रहे हैं तो हम क्या करें या फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो सोचते 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 थक जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि यार हम करें क्या, क्योंकि ऑलरेडी पहले हो रहा था, यानी मैं करूँगा तो मेरा चलेगा ही नहीं, उसके दिमाग में ये ख्यालात आते हैं और इसी वजह से वो छोड़ देता है। कुछ बिजनेस तो ऐसे भी हैं जो आदमी शुरू जल्दीबाजी में देख देख कर शुरू तो कर देता है, लेकिन करने के बाद वो बाद में पता लगता है यार ये तो बहुत बेकार काम कर लिया, घाटा लग गया, मशीने मशीने खरीद लिया, अब इसको कैसे भी करके बेच दें, कैसे इसे पीछे छुड़ा लें, ये होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से फंसें और किसी के बातों में आकर के आप स्टार्ट कर दें, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप किसी की नौकरी कर रहे हैं बढ़िया बात है, अगर वहां मन नहीं लग रहा है फिर भी मन लगा के कीजिए, अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो आपके लिए नौकरी नहीं बनी है, आपके लिए बिजनेस बना है। चलिए मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। देखिए आजकल ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑनलाइन ऑनलाइन आजकल फार्म जो है ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आपको पता है, रेलवे में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है, किसी भी विभाग में अगर भर्ती मतलब होना है तो उसके लिए ऑनलाइन फार्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप यदि चाहें तो CSC सेंटर से, CSC से है ना, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर, वहां से आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के बनवा करके ले करके और आप ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बिजनेस एक बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन फार्म फिलअप जो शॉप है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और देखो आजकल हर, देखो राशन कार्ड बनाना है, कुछ भी अप्लाई करना है, किसी भी चीज़ का करेक्शन है, सुधारना है, तो क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं CSC केंद्र पे, जन सेवा केंद्र पे, जन सुविधा केंद्र पे, आप जानते होंगे यहाँ पे लोग जा रहे हैं, यानी कि इसका ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर है, ऑनलाइन मोबाइल है, ऑनलाइन लैपटॉप है ना, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं तो आप इससे सर्टिफिकेट लेकर के आराम से मिल जाएगा। आपको कुछ उसका प्रोसेस है फॉलो करना है और ले करके अपना एक शॉप खोल लेना है, लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पहला बिजनेस है, और अगर आपको समझ आ रहा है मेरी बात, हिंदी में बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, जो 25 बिजनेस मैं बताने वाला हूँ उनमें से किसी एक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, मुझे पता है, और आप उस पर काम करोगे पैसे भी कमाओगे, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या है, ये समझ गया ऑनलाइन फार्म अप्लाई का। दूसरा है कार्ड प्रिंटिंग का, कार्ड प्रिंटिंग जानते हैं इसको, जैसे जो कार्ड होते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड आप देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड हो गया, बैनर हो गया छपते हैं,
पेम्पलेट हो गया छपते हैं, यानी कि कार्ड प्रिंटिंग, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ हैं, शादी का कार्ड हो गया, ये छपने छपाने वाला जो काम है ना, छपने छपाने वाला मेरा मतलब है छापने वाला जो काम है, ये इससे रिलेटेड यदि आप कुछ कर रहे हैं तो ये कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा। और आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जो भी मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ, ये धड़ाधड़ चलने वाला है, गाँव में दौड़ने वाला है, कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा, इसका कस्टमर कभी खत्म नहीं होंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, कस्टमर भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्ड छापने वाला जो काम है, जितने भी छापने वाले काम है, आप इसको ही देखिए, इसको समझने वाली बात है ये। कोई महिला है घर में, हाउस वाइफ है, तो अगर वो चाहे तो अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकती है। कैसे? अपना जो एक छोटा सा भी घर है, दुकान टाइप अगर उसका घर है, तो वहाँ पर वो मशीन रख करके छापने वाला, कम रुपए का भी आता है और ज़्यादा रुपए का आता है। मैं कहता हूँ पहले शुरुआती दिन में आप उस मशीन को खरीद लो, या फिर मशीन नहीं है तो पहले देख लो, 10 दिन किसी के यहाँ देख लो, सीख लो, सीख करके फिर कार्ड छापना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा कि मेरे पास क्या क्या चाहिए। और मैं बता दूँ आपको, चुनाव वुनाव का पीरियड जब होता है ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ लगता है कि लोग धड़ाधड़ आते हैं और छपवाते हैं, उसमें नंबर लगता है। आज अगर कोई बुक कर रहा है तो ऑर्डर दे रहा है तो वो समझ लीजिए 1 हफ्ते बाद उसको मिलेगा, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। तो कार्ड छापने वाला जो बिजनेस है ये भी बंद नहीं होने वाला है, और ये सबसे फेवरेट है, इसको तो सोचता हूँ मैं भी करूँ, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता ना यार, सच में मैं उसको भी करता, क्योंकि ये काम मुझे बहुत पसंद है। कार्ड छापने वाला, शादी कार्ड छापने वाला, बैनर छापने वाला, ये प्रिंटिंग प्रेस भी जिसको कहते हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूँ तीसरा, जो ये बंद नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये है क्या, लैपटॉप का नाम सुने हैं? लैपटॉप आपको चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। लैपटॉप क्या करना है? रिपेयर करना है, रिपेयर करना है। इसका शॉप यदि खोलते हैं, दुकान खोलते हैं लैपटॉप रिपेयर करने का, तो जो लड़के पहले से सीखे हुए हैं, अगर उनका दुकान नहीं है, कहीं दूसरी दुकान पे काम करते हैं, तो आप उनके अपने पास बुला करके ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही इसको सीख करके, खुद ही सीख करके क्यों नहीं सीख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज बोल रहा हूँ और आज ही आप इस काम को स्टार्ट कर दोगे, आप सीख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है लैपटॉप से, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको फिजिकली ठीक करना, अगर आपको आता है सॉफ्टवेयर डालना, एंटीवायरस डालना, ये सब आप काम आपको पसंद है, तो आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और भविष्य में भी रहेगा, है ना। लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ये जो काम है ये कभी बंद नहीं होगा और ये 12 महीना चलेगा। मैं आपको बता दूँ, यदि करने वाले आप इंसान हैं तो थोड़े दिन सीख करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस डर से नहीं करेंगे, यार इसको सीखने में बहुत दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, देखो अगर हमने पढ़ाई किया है तो 10 साल के बाद ही मार्कशीट मिला है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा ना, लेकिन उतना हमने पढ़ा तो उससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमा रहे हो। लेकिन इस काम को आप सीखोगे 10 तक पढ़ करके और आप सोचो कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 साल 1 साल इसमें दे रहे हो, आप कंप्यूटर बनाने का सीख रहे हो, लैपटॉप बनाने का सीख रहे हो, तो ये काम कभी बंद नहीं होगा और 1-2 साल में आप सीख जाओगे और सीख करके अपना खुद का शॉप कर लो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उससे हार्डवेयर जो चीज़ होते हैं, जो उसके पार्ट होते हैं, ये भी बेचना प्रारंभ कर सकते हो, नया लैपटॉप बेचना प्रारंभ कर सकते हो, ये काम कभी बंद नहीं होगा। अब बाकी रिलेट आपको करना है कि करें क्या, ठीक है, कितना बजट है मेरे पास। मैं 25 बिजनेस आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई आपको तो समझ में आएगा ही आएगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, लैपटॉप रिपेयर हो गया, अब ये चौथा है, ये है मोबाइल रिपेयर। मोबाइल रिपेयर, हाँ, ये भी कभी बंद नहीं होगा, चाहे सिंपल फ़ोन हो या टच वाला फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, आप नवा बेच सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और इसका भी 6 महीने का कोर्स है, कर लेते हैं, कहीं दुकान पे प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, इसको भी करके आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ एकदम छांव में रहना यार, कस्टमर चल के आपके पास आएगा, आपके पास अगर हुनर है तो कस्टमर खुद चल के आपके पास आता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश में, धूप में, ठंडी में घूमने की ज़रूरत नहीं है, दुकान करके बैठ जाओ, कस्टमर चल के आएगा, बारिश में छाता लगा करके आपको हैंडल करना है, आपको सामान बेचना है या फिर रिपेयर करना है, ये भी कभी बंद होने वाला नहीं है। चलिए अगला जो है पांचवा, ये है क्लॉथ शॉप। क्लॉथ शॉप मतलब कपड़े का दुकान, कपड़े का दुकान, ये कभी बंद नहीं होगा। अब कपड़े का दुकान में पैसा लगता है, मैं आपको बता दूं पैसा लगता है, लेकिन जितना बजट है
उतने रुपए से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 लाख 5 लाख ही चाहिए, 1 लाख रुपया भी है, 50 हज़ार भी है, उतना से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जूता चप्पल है, कपड़े से रिलेटेड जूता चप्पल है, या आप समझ लीजिए कि कपड़ा लोवर दिन का पहनने वाला, रात को पहनने वाला, स्पोर्ट का जो घूमने वाला है, जॉगिंग वॉगिंग करने वाला, ठीक है, नाश्ता कर, अलग अलग ड्रेस आजकल लोग पहन रहे हैं, मॉडल फैशन हो चुका है। तो कपड़े से रिलेटेड यदि आप बिजनेस करेंगे तो ये कभी बंद नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा चलता है, आप देख लीजिएगा कहीं पे भी लोग कर रहे हैं। अगर इसका दुकान छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ फेरी लगाना प्रारंभ कर दो, अगर इतना बजट नहीं है तो फेरी लगाना प्रारंभ कर दो, फिर भी आप रोज़ का 1000-2000 रुपये कमा सकते हो, इसमें बहुत सारे लोग कमाते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो कपड़े का शॉप भी कोई बुरा नहीं है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। चलिए अगला बिजनेस क्या है, छठवां, सिलाई, सिलाई का बिजनेस। सिलाई बोले तो कपड़े सिलने वाली, अभी मैंने देखा हाल ही में एक व्यक्ति को जो सिलाई का काम करता है, उतना ज़्यादा सिलाई आता नहीं है लेकिन लोवर सिल लेता है, पैंट लोवर, पैंट नहीं लोवर। और वो क्या किया है कि लोवर का जितने भी कपड़े आते हैं, सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा, तो उसने सस्ता और मीडियम में जो आता है उसकी, मतलब उस टाइप का कपड़ा क्या कर रखा है, बंडल ही बंडल मंगा रखा है, मशीन रखा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और एक शहर में एक छोटी से जगह में क्या कर रखा है, लोवर का दुकान खोल रखा है। अभी आप लोवर खरीदने जाओ कहीं पे भी तो 200-250 से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है 170 रुपये में सिल के देता है, सिल के देता है लोवर 170 रुपये में। मैंने उसको देखा यार, मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, 170 रुपये में लोवर मिलेगा क्या, जरा सोचिए, अच्छा कपड़े का सिलाई करके, है ना, रेडीमेड नहीं सिलाई करके देता है ना, सामने जो जो बोलोगे जिस कपड़े में, उस कपड़े को काटेगा और जितना नापी वगैरह लेकर के नाप करके बनाएगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है। इतना ज़्यादा भीड़ लगती है उसके पास, 170 रुपये में, 180 रुपये में लोवर देता है, 200 से भी कम में देता है यार, और दुकान में भी जाओ तो 300-350 से कम भी नहीं मिलेगा, वो भी रेडीमेड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ चुका है कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। आप भी यदि चाहो तो सिलाई के काम में भी अगर थोड़े बहुत आता है तो ऐसा आप कर सकते हैं, महिला है या पुरुष है कोई भी इसको कर सकता है, मुझे ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सीख करके ही करना, देख करके ही करना, आपके इलाके में कोई ना कोई होगा जो लोवर बनाता होगा, ठीक है, उससे रिलेट कर लेना, उससे देख लेना, बात कर लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है यार, है ना, पहाड़ तोड़ने से मेहनत जो काम होता है पहाड़ तोड़ने में, उससे तो कम ही मेहनत है ना। दशरथ मांझी थे वो पहाड़ तोड़ दिए 20 साल में, कैसे लग्न होगी उनका, कैसा वो होगा। हम सोचते हैं यार 6 महीना कहीं काम कर लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा तो हम गरीब हो जाएंगे हमारे पास, अरे 6 महीने गुजारा करोगे तो आपको एक टैलेंट मिल जाएगा, एक हुनर मिल जाएगा जो आपकी जीवन भर काम देने वाला है, कहीं पे भी रहो, शहर या गांव कहीं पे भी रहो, आपको ये पैसा देने वाला है, ठीक है। तो ये सिलाई का काम भी बुरा नहीं है। और जो मेरा अगला बिजनेस है सातवां, इसको कहते हैं प्लंबिंग, प्लंबिंग, प्लंबिंग जानते हैं, जैसे टोटी होते हैं ना, जो टोटी नल जिसको कहते हैं, पानी जिसमें आता है पाइपलाइन, जो दीवालों में भी लगता है या फिर दीवाल को काट करके उसमें लगाते हैं, वो प्लम्बर का काम जिसको कहते हैं देसी भाषा में, ये जो काम है यदि आप सीख लेते हो, ये भी आप सीख जाओगे 3 महीना 4 महीना 6 महीना में आप ये भी सीख सकते हो, और सीख करके प्लम्बिंग का काम भी आप कर सकते हो। साथ में मैं अपने तरफ से एक और इसमें ऐड कर रहा हूँ, अगर प्लम्बिंग का काम नहीं सीखना है तो आप जो डिश एंटीना है, छतरी बॉक्स वगैरह डिश एंटीना, उसको फिटिंग करना यदि आप सीख लेते हैं तो उससे भी रोज का 1000-2000 रुपया रोज कमाओगे। अगर 2000 भी कमाते हो 60,000 महीना होता है, और ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता दूं आप कर सकते हो, इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं करना है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है, जो टेक्नीशियन आपके शहर में है उसी का साथ पकड़ करके कुछ दिन सीख लेते हो, 10-15 दिन। मैंने तो एक हफ्ता में सीख लिया था, मेरे को जब ज़रूरत थी उस काम को मैं कर रहा था तो एक हफ्ता में मैं सीख करके मास्टर बन गया था। आप 10 दिन में भी सीख सकते हो और 1 महीना में भी सीख सकते हो, और सीख करके आप सोचो जितने भी घर हैं, जितने भी आपके 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी घर हैं, सबके घर में टीवी लगा हुआ है, डिश एंटीना लगा हुआ है, तो डिश एंटीना, सिर्फ डिश एंटीना का भी काम आप सीख लेते हो तो ये आपको 1000-2000 रुपया रोज देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करो ये काम ना 12 महीना चलने वाला है, पूंजी कुछ नहीं लगेगा, 1000 रुपये का भी मटेरियल नहीं रहेगा, लेकिन आपको 1000-2000 रोज कमा के देगा, सिर्फ आपको घूम करके करना है। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस काम को मैंने किया है, ठीक है। चलिए
अगला क्या है, टीवी रिपेयर। आठवां मेरा बिजनेस था टीवी रिपेयर, ध्यान से सुन लीजिए। टीवी रिपेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल एलईडी आ गई है, टीवी तो बंद हो गया, डब्बा था, एलईडी आ गया। आप चाहो तो नया दुकान खोल सकते हो, टीवी भी बेच सकते हो, नया टीवी नहीं एलसीडी जो आ रहा है, एलईडी आ रहा है, उसको आप नया बेच सकते हो, है ना। या फिर अगर रिपेयर करना सीख लेते हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि गारंटी वारंटी के बाद अगर रिपेयर करके दे रहे हो तो उसका पैसे मिलते हैं। तो टीवी से रिलेटेड यदि आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगला मेरा जो बिजनेस है नौवा, ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं, अगर आप चाहो तो इसको दुकान आप कर सकते हो अपने चौराहे पे, अपने गांव में, अपने शहर में रह करके इस काम को आप करोगे और रोज का 1000-2000 रुपये आप कमाओगे, और जो किए हैं वो कमा रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें गरीब क्या कर सकता है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं कर सकता है, एकदम कर सकता है। अगर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अगर चाहे तो अपना दुकान खोल सकता है। अब जो ही एकदम बिल्कुल गरीब है, जैसे जिसके पास 10,000 का भी बजट नहीं है, तो मैं तो कहूँगा पहले उसको जॉब करना चाहिए, पहले उसको पूंजी इकट्ठा करना चाहिए, और जब पूंजी इकट्ठा कर लिया तब उसको सोचना चाहिए कि इनमें से 2500 बिजनेस में से क्या करना है। हालांकि मैं और भी ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जो 10,000 के लागत में भी शुरू हो सकती है, ध्यान से सुनिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, और ये 12 महीना चलने वाला है, क्योंकि ठंडी में ठंडी के समान, गर्मी में गर्मी के समान, बरसात में बरसात के समान बिकता है, खरीदने वाले दुनिया में कमी नहीं है। बस आप दुकान खोल के बैठ जाओ, पैसा मिलेगा, कस्टमर चल के आएगा आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही नहीं, हो जाएगा। बस आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, बाकी आप ये ना सोचो कि मेरे पास पूंजी नहीं, जितना है उतना से आप स्टार्ट करो। लेकिन ये भी आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा काम करने में आपको मन लग रहा है, क्या चीज़ की आपके यहाँ ज़रूरत है। मन की भी छोड़ो, क्या चीज़ आपके यहाँ ज़रूरत है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलता नहीं है, उसके लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, ये आपको देखना है। मुझे नहीं पता ना कि आप कहाँ से देख रहे हो, शहर में देख रहे हो, गांव से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, लेकिन इतना पता है कि जहाँ से भी देख रहे हो आपके यहाँ कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर है उसको पकड़ो और उस पर काम करो, बहुत आसान है यार। अगला बिजनेस जो है ये है मेरा जो 10वां बिजनेस, ये है वेजिटेबल मतलब सब्जियां का शॉप। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ट्रेंड में क्या, भविष्य में कभी बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। हरा सब्जी खरीदा, उसको खरीद करके बेचा, बहुत आसान है। आप सोच रहे हो रेडी लगाने के लिए, रेडी लगाने की बजट है तो रेडी लगाओ, नहीं रेडी लगानी है शॉप खोलो, दुकान खोलो, रखो ना व्यवस्था सारा कुछ, बढ़िया सा दुकान खोलो सब्जियों का, फलों का, आप खोलो ना यार। बस ये एक ना, कैसे मैं आपको बताऊँ, लोग ना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने सब्जी लगा दिया या फिर फल बेचना प्रारंभ कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये सोचो कि अगर मैं नहीं किया तब लोग क्या कहेंगे, लोग तो आपको छोड़ने वाले तब भी नहीं है, अगर नहीं करोगे नहीं कामयाब होगे फिर भी लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए जो करना है अभी करना है, आज करना है, क्या कर सकते हैं आज सोचना है, आज करना नहीं है ठीक है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना भैया, करें क्या, मेरे पास 6 महीने हैं, मेरे पास 2 महीने, इतने दिन में क्या कर सकते हैं। सब्जी का रेडी लगाओ ना यार, 10,000 रुपया पूंजी है लगाओ, और रोका है आपको, नहीं रेडी लगा सकते और पैसा है, दुकान खोलो, 12 महीना चलेगा, कस्टमर चल के आएगा, रोज 1000-2000 रुपये आप कमाओगे। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग सब्जी बेच रहे हैं, अगर फायदा नहीं होता, कमाते नहीं, तो वो कब का छोड़ गए होते, आज तक वो बेच नहीं रहे होते, ये बात आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला जो मेरा बिजनेस है 11वां, ये है टेंट का बिजनेस। टेंट बोले तो शादियों में जो टेंट लगती है, जो टेंट किराए पे लोग चलाते हैं, आपको पता है टेंट ना किराए पे लोग चलाते हैं, अरे जिसके घर शादी है टेंट थोड़ी खरीद लेता है, वो तो किराए पे ही मंगाता है ना कहीं कहीं से। तो टेंट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है, ये कभी 12 महीने बंद नहीं होगा, और आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये समझना होता है कि लगेगा कैसे। 10 दिन गुजारो किसी के भी साथ, हेल्पर का काम कर लो 10 दिन उसके साथ, समझ में आ जाएगा क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे लगाते हैं, सारा समझ में आ जाएगा, टेंट का बिजनेस। इसी तरीके से एक मेरा और जो है वो है 12वां बिजनेस, ये है डीजे का। आप डीजे का भी उसके साथ जोड़ सकते हो, इसमें भी ज़्यादा पूंजी लगेगा नहीं, और एक बार यदि इन्वेस्ट कर दिया डीजे में तो समझ लीजिए वो रिटर्न नहीं देगा आपको, हर रोज़ देगा। एक लड़का को रख दिया, लड़का काम कर रहा है, आप आराम से रहोगे फिर भी पैसा बनता रहेगा, जाके घूमते रहो, देखते रहो, डीजे का कारोबार स्टार्ट करो। देखो यार, मेरा ये वीडियोज़ बनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप गरीब ना रह पाएँ,
आप अमीर बन जाए यार, किसी तरीके से कोई भी बिजनेस करके आप पैसे कमाना प्रारंभ कर दें। ये जो जिंदगी हम लोग जीते हैं ना गरीबों वाली, कि भैया सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी बीमार हैं, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं नहीं करा सकते क्योंकि फीस ज़्यादा है, मार्केट में गए कुछ खाने के लिए तो सोचते हैं क्या खाएं, इतना रुपया है इतना तो ये लग जाएगा। ये सब प्रॉब्लम ना खत्म हो जाए यार, और ये खत्म तभी होगा जब आप व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। नौकरी ये सब आपको नहीं दे सकता, नौकरी छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना देगा यार ये सब, उसके लिए तो भैया बढ़िया नौकरी चाहिए। तो इतना बढ़िया नौकरी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपने इतना योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो ट्राई कर दो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन योग्यता नहीं है तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। देखो 10वीं 8वीं 12वीं से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बिजनेस करे ना अपना खुद का तो बढ़िया है, उसको लेबर चौक पे जाने से, दिहाड़ी करने से अच्छा है कि अपना खुद का व्यापार करे, 1000 2000 रोज कमाएगा। लेकिन वही इंसान समझ नहीं पाता और करता भी नहीं है। क्यों नहीं करता है? उसको लगता है यार कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, बस एक बार कोशिश तो करो। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, आज तक ट्राई नहीं करते हैं बिजनेस करने का। तो आप उनमें से अलग हो जाना, आप स्टार्ट कर देना यार, मैं तो आपको यही कहूंगा। ठीक है, अगला जो मेरा बिजनेस है वो है कंस्ट्रक्शन का। जानते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है? 13वां बिजनेस है ये, है कंस्ट्रक्शन। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का लोग ठेका लेते हैं, नहीं समझे? जैसे कोई घर बना रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो सरकारी नौकरी करते हैं या कोई कंपनी के मालिक हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि अपना जो फ्लैट खरीदे हैं वहाँ पे रह करके वो घर बनाए, मतलब बताएं। उनके पास नक्शा होता है लेकिन वहाँ पे रह करके खड़ा होकर के बनाने का टाइम नहीं है। तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो, मतलब ठेकेदार जिसको कहा जाता है देसी भाषा में, ऐसा ठेकेदार ढूंढते हैं जो उस काम को करा दे, उनसे पैसा ले ले, वो जैसा चाहते हैं वैसा करा दे। इसको कंस्ट्रक्शन का काम बोलते हैं। आप ठेका लेकर के कर सकते हो। मैं बता दूं, अगर 1 लाख का ठेका आप ले रहे हो उसमें से 10,000 तो आपका बचेगा ही बचेगा, कम से कम, ज़्यादा भी लोग बचा लेते हैं। वैसे घर बनाने में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इस फील्ड में यदि आप जाना चाहो, इंटरेस्टेड हो, लेबर मिस्त्री को रखते हो आप, मतलब बात वार्तालाप करते हो, उस से हैंडल आप करना जानते हो, या फिर उसके बारे में उस कंस्ट्रक्शन के काम में आपको नॉलेज है, तब आप इस फील्ड में जा करके अच्छा खासा अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये भी सालों साल चलता है, 12 महीने चलता है, कभी बंद नहीं होगा, और ये भी आपको बहुत पैसा देने वाला है कंस्ट्रक्शन का काम। शायद आपको समझ में आया होगा। अगला जो मेरा बिजनेस है 14, ये है फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी, अब आप कहोगे फोटोशॉप तो बंद हो गए, बंद हो गए, फोटो की दुकान तो बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ कहाँ बंद हो गया है, अभी चलता है। अरे चलता है मेरे भाई, कचहरियों के पास जाके देखो, कोर्ट कचहरी जहाँ होती है ना वहाँ पे जा करके देखो, अच्छा मार्केट में भी जा करके देखो। आप मोबाइल से फोटो खींच लेते हो लेकिन जाते हो दुकान पे ना उसको निकलवाने के लिए, तो बंद कहाँ हो गया? ये बंद होने वाला नहीं है। ये जो प्रिंटिंग वाला काम है या फिर फोटो कॉपी का दुकान है या फिर कंप्यूटर वम्प्यूटर का जो दुकान है ना, ये कभी बंद नहीं होगा। तो फोटो कॉपी का जो शॉप है आप खोल सकते हो, बड़ा बड़ा वीडियोग्राफी लोग करवाते हैं, उसके साथ साथ शादियों में वीडियोज़ का जो कैमरा लेके जाते हैं आपने देखा होगा शादियों में, वो भी फोटोग्राफी में ही आता है। आप उस फोटो खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका कैसेट बना सकते हो, उसका पेन ड्राइव में डाल सकते हो। ये सब काम करने का साटा होता है, मतलब कि 10,000 5,000 का एक रात का उसका वो होता है, अमाउंट दिया जाता है कि एक रात में आप मेरे शादी में आना है, फोटो खींचना है या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसका पैसा मिलता है। सोचो महीने का अगर 10 शादियाँ भी अगर आप अटेंड करते हो, अगर आपका दुकान है आप 10 शादियाँ भी अटेंड करते हो, 5 5,000 मिल रहा है, 50,000 होता है कि नहीं होता यार, है ना? अगर उसमें खर्चा वर्चा छाड़ दो फिर भी 30,000 40,000 तो बचेगा। ये हमें लगता है हम नहीं कर सकते, इतना आसान काम है यार, और करने वाले कर रहे हैं। आपको हमें लग रहा है कि यार हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? मुझे जब मैं ये शूट करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, या फिर पहले लगता नहीं था कि ऐसा मैं वार्तालाप में कर सकता हूँ, आज आपको समझा सकता हूँ। लेकिन आज धीरे धीरे कर करके मुझे समझ आ गया कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए एक ऐसा बिजनेस जो कम से कम पूंजी में शुरू हो और कोई भी गरीब उसकी इंसान उसको स्टार्ट कर सके। मुझे इस बात को समझ में आ गया, तब से मैं किसी भी कंपनी में जा करके, कहीं पे भी आपने मेरे वीडियोज को जा करके देखिएगा, मैं किसी भी कंपनी को जा करके प्रमोट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का ईमेल आता है मेरे पास, उसमें पहले मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं, इनको बेनिफिट करेगा या फिर नुकसान करेगा। मैं देखता हूँ नुकसान करेगा, कैंसिल, मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं उसको देखता ही नहीं हूँ। जो लगता है कि हाँ ये ठीक है उस पर मैं वार्तालाप करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ हाँ ये ठीक है, इस पे जो है काम किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, पंद्रहवा बिजनेस मैंने लिख रखा था, ये है अगरबत्ती का। क्या चीज का? अगरबत्ती, अगरबत्ती बनाने का काम। ठीक है, अगरबत्ती बनाने का काम, आप चाहो तो अगरबत्ती बना सकते हो और कहीं पर भी बना सकते हो, गांव शहर कहीं पर भी रहते हो आप अगरबत्ती का शॉप खोल सकते हो, अगरबत्ती बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जा करके सीख करके खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग आप तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से है 16वां फास्ट फूड जानते हैं, जैसे शाम को बर्गर लगता है, पिज्जा है, ये गोलगप्पे हैं आजकल ना, चाउमीन वगैरह, ये सब नूडल वगैरह, ये सब फास्ट फूड में आते हैं। ठीक है, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, आप चाहें तो इसका भी रेडी लगा सकते हैं, आराम से लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, 10,000 रुपया है, आराम से लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैं 25 बिजनेस बता रहा हूँ, 17 हो गए, 17 ये है कपड़ा का बिजनेस, क्लोथ वाशिंग हो रहा है ना आजकल, लोग कपड़ा धोना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं वाशिंग मशीन कहीं होता हम कपड़े ले आकर दे देते, पहले होता था कितने थे वो ले जा करके नदी में तालाब में किनारे धोते थे, आजकल मशीन आ गई है, मशीन में डालो कपड़ा, मतलब मशीन खरीदना नहीं चाहते हैं लोग, क्या करते हैं उसको दे देते हैं कि उस बंदे को दे देंगे वो ले जा करके धोएगा। ये भी एक बढ़िया बिजनेस है, देखो कम बजट में बढ़िया बिजनेस। आप चाहो तो एक प्रेस का दुकान कर सकते हो, कपड़े इस्त्री जो करते हैं वो, इस्त्री नहीं, इस्त्री प्रेस वाली इस्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसका भी दुकान कर सकते हो। क्या पूंजी लगता है? अगर एक आजकल नॉर्मल 10 रुपये अगर लग रहा है ना पैंट शर्ट का, दिन भर में आप कम से कम 50 करोगे, 50 पूंजी लगेगा नहीं, सिर्फ आपका मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे जब आपके पास पैसा हो जाए, 50,000 1,00,000 रुपया हो जाए, कोई बड़ा काम स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये एक बिजनेस था, 18वां मैं आपको बता रहा हूँ, 18वां जो बिजनेस है वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स जानते हैं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन से एफिलिएट कमाते हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, फ्लिपकार्ट है, इस पर आप अकाउंट बना लो, सामान प्रोडक्ट को बेचते रहो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, कोई भी लिंक के थ्रू खरीदेगा तो कमीशन मिलेगा, महीने का 20,000-25,000 साइड इनकम कमा सकते हो, फुल टाइम दे रहे हो तो ज़्यादा भी कमा सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से करके बहुत रुपया कमा रहे हैं। तो ई कॉमर्स का भी बिजनेस आप चाहो तो घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। देखो इतना मैंने बिजनेस बताया, अभी और भी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस हैं, चलिए मैं बता देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। एक और है, ये हो गया ई कॉमर्स हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, अब इसको मिटाता हूँ। 20वां बिजनेस है, ये है कोचिंग सेंटर, कोचिंग का बिजनेस, आप चाहो तो कोचिंग करा सकते हो, नहीं कराना है तो अपने जगह पे आप किसी ऐसे लड़के को रख सकते हो जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए, है ना, आप भी कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी 10वीं तो पढ़े ही होंगे, कम से कम 10वीं 12वीं तो कर किए ही होंगे, 4-5 तक के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं आप, कोचिंग करा सकते हैं, आप लो ना पैसा 200-300-500 रुपये महीना लो, क्या दिक्कत है। देखो बच्चों को पढ़ाना हर कोई चाहता है, लेकिन अब वो कहाँ पढ़ाए उसके पास ऑप्शन नहीं है, स्कूल भेजेगा जब वो 5 साल का हो जाएगा, बढ़िया से मतलब जाने आने के लायक हो गया, समझदार हो जाएगा, तब लोग स्कूल भेजना चाहते हैं, उससे पहले सोचते हैं 3 साल का बच्चा है वो पढ़ने लगे, 4 साल का बच्चा पढ़ने लगे, तो उसको आप चाहो तो पढ़ा सकते हो, अगर और ज़्यादा नॉलेज है तो उससे बड़े लड़कों को भी आप पढ़ा सकते हो, तो ये भी बिजनेस चलने वाला है और आप चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं फटाफट आपको बताता हूँ 21वां बिजनेस, ये है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन क्या होता है, जैसे घर होता है, घर के अंदर जो सजावट होती है, जो लाइटिंग होती है, इसको इंटीरियर डिजाइन कहते हैं। आप चाहो तो इस काम को सीख करके घर का, लोगों के घर में देखो जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा शौक है, उतना ज़्यादा फैसिलिटी है, उतना ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि मेरा घर एकदम बेहतरीन दिखे, आप इसका डिजाइन का काम सीख करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ये भी बिजनेस है ना, चलता है, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइन, अधिक से अधिक लोग पैसा खर्च करते हैं घर पे, भैया मेरा घर एकदम दिखना चाहिए, डेकोरेशन वाला काम एकदम मतलब अच्छा दिखना चाहिए, सबसे बेहतरीन कुछ अलग दिखना चाहिए, है नॉलेज करो ना यार, कौन रोका है आपको, सीखो और सीख करके आप स्टार्ट करो इंटीरियर डिजाइन का काम। चलिए अगला क्या है, 22वां, ये है वॉच रिपेयर मतलब घड़ी का रिपेयर, ये घड़ी, हाथ वाली घड़ी तो बिकती ही है आजकल ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया, आप लोग कह रहे हो मोबाइल आया तब से घड़ी बंद हो गई, मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा लोग शौक से बांध रहे हैं, महंगी महंगी घड़ी बांध रहे हैं, 5,000-5,000 की घड़ी बांध रहे हैं, उससे भी महंगी महंगी घड़ी लोग बांध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं, क्योंकि शौक हो गया, एक
आप दीवार वाली घड़ी, ये वॉच वाली घड़ी, कोई भी घड़ी, मोबाइल वाली घड़ी, मतलब जो समझ आ रहा है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंटेंट पे, किसी भी दुकान को आप चाहो तो कर सकते हो, बशर्ते आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नहीं नॉलेज है तो सीख सकते हो, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो घड़ी का भी आप दुकान कर सकते हैं, चाहे तो नया घड़ी बेच सकते हैं, पुराना घड़ी रिपेयर कर सकते हैं, कितना बढ़िया यार। करने वाला इंसान तो कर ही जाएगा, ना करने वाला अभी लिख चुका होगा कि भैया आपको क्या पता है, मैं आप किए हो कि आपको पता है ये प्रॉब्लम आती है, ये होता है, वो होता है। अरे कुछ नहीं होता है, नहीं करने वाले के पास तो बहाना है, करने वाला इंसान कर जाएगा। समझने वाली बात, आप किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लोगे कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। नहीं करना है तो उसके लिए हजार ऑप्शन है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। चलिए, बाइक रिपेयर, ये है मेरा 34, बाइक रिपेयर, ठीक है, बाइक रिपेयर। बाइक रिपेयर का भी ट्रेंड चलता है, कोई भी बाइक है, बजाज पल्टीना, हीरो होंडा, जो भी गाड़ी आपको दिख रहा हो, हीरो का, होंडा का, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, जो भी कंपनी आप जानते हो, उस कंपनी का पार्ट्स भी मिलते हैं। आप चाहो तो उसको रिपेयर करना सीख लो, सर्विसिंग करना सीख लो, कुछ कुछ समझ लो या देखो, कुछ भी होगा करने से ही होगा, सीखने से ही होगा, सीख करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी कभी बंद नहीं होगा। मैं अभी तक आपको 23 बिजनेस बता चुका हूँ, इनमें से क्या लगता है कौन सा बिजनेस है जो बंद हो जाएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी मैं दो बिजनेस और है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये है एसी का रिपेयर, एसी रिपेयर, आप चाहो तो एसी रिपेयर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अगर है हाथ में हुनर तो कर सकते हो, सीख करके कर सकते हो। साथ साथ लास्ट मेरा एक बिजनेस है जो है किसी भी चीज का आप पार्ट पूजा बेच सकते हो, पार्ट पुर्जा, पुर्जा मतलब किसी भी बाइक का पार्ट पुर्जा होता है, बड़े गाड़ियों का ब्लोरो, मार्शल, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियों का पार्ट पुर्जा होता है। आप देखो किसी भी चीज का पार्ट पुर्जा बेच सकते हो, उसका जो ऑटो पार्ट्स होते हैं ना उसको आप बेच सकते हो, उसका दुकान कर सकते हो, लेकिन उसके फील्ड में भी आपको नॉलेज चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा साइज करिए, क्या चाहिए, क्या नाम है उसका, सीखना पड़ेगा। ये सारी बिजनेस जो है ना ये चलते हैं और चलेगा, 12 महीना चलेगा, कभी बंद नहीं होगा, बशर्ते इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। मेरे कहने से कल से स्टार्ट मत कर देना, आप इसको पहले सीख लेना और सीख करके स्टार्ट करना, कम से कम लागत में भी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लागत में तो हो ही जाएगा। तो आपको कौन सा बिजनेस ये ठीक लगा, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार इतना ज़्यादा आप वीडियो बड़ा लंबा बनाते हो, क्या करें यार, टॉपिक इतना बड़ा होता है कि आपको मैं चाहता हूँ ना कि किसी तरीके से रोजगार पा जाएं, आप बेरोजगार ना रहें, आप किसी तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दें, चाहे कुछ भी करके, ठीक है, सही काम। चलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, जय हिंद।